बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। असल में ये है, पाकिस्तान में डॉलर की काफ़ी शॉर्टेज है, तो आइए आपको पाकिस्तान में मैं डॉलर्स दिखा देते हूँ, वो भी बोरियों में, क्योंकि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा डॉलर है और भी खासकर मंडी में, लेकिन किसी को पता नहीं। आइए देखते हैं, आपको डॉलर दिखा देते हैं, लेके चलते हैं आप लोगों को। ये भी नहीं कि आप लोगों को मैं डॉलर दिखा रहा हूँ वो मतलब ये कि कम मकदार में हो, बल्कि बोरियों के हिसाब से यहाँ पर डॉलर पड़े हुए हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ, और वहाँ पर डेरी करेंगे, बंडल देखेंगे आप डॉलर के, और वो डॉलर उसी तरफ लेके चलते हैं आप लोगों को। और डॉलर जो है चाइना से आते हैं, और किस तरीके से आते हैं, कैसे आते हैं, और उसके तरीक़ाकार क्या है, और कौन ये जो है ना लेके आते हैं। तो ये है जनाब मेरे मोहतरम दोस्तों डॉलर्स जो पाकिस्तान में मौजूद हैं बोरियों में। ये अदरक हैं और सामने लहसुन लगा हुआ है, जिनकी ट्रेडिंग डॉलर्स में होती हैं, क्योंकि चाइना से आते हैं, और जैसे ही डॉलर बढ़ता है साथ साथ इनके रेट भी बढ़ता है, लेकिन इनके तनासुब में ज़्यादा जो है ना यानी डॉलर के तनासुब से ये ज़्यादा बढ़ता है। अगर डॉलर 1 रुपये बढ़ जाए तो इसकी कीमत जो है ना मज़ीद 10-15 रुपये बढ़ जाता है। पिछले दिनों तो ये काफ़ी ऊपर गए थे, अभी ये तकरीबन 7500 रुपये की है ना, ये अभी 7500 की हैं। और इसका वज़न कितना होता है? 21 किलो। और ये थाईलैंड से आते हैं अदरक और लहसुन जो होता है, और चाइना से आते हैं, और इसका जो है 7500-7400 रुपये रेट है इस वक्त इस्लामाबाद मंडी में, और इसका वज़न होता है 20 किलो। तो आइए बाहर देखते हैं कि किलो के हिसाब से क्या रेट बिकता है। और ये देख रहे हैं, असल में लहसुन और अदरक की ट्रेडिंग जो होती है ना डॉलर्स में होती है, और आजकल क्लियरेंस भी इनको नहीं मिल रहा पोर्ट पे। असल वजह यह है कि डॉलर की शॉर्टेज है पाकिस्तान में, इसी वजह से क्लियरेंस नहीं दे सकता, क्योंकि अपने ज़रूरियात को, बाकी ज़रूरियात मेडिसन वगैरह, आयल, इन तमाम चीज़ों को देख के जो है ना थोड़े थोड़े के माल की क्लियरेंस देता है, LC इशू होता है, उसके बाद ये आता है। तो काफ़ी मसाइल है आजकल, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकाल दे। और काफ़ी जो है ना इस वक्त फंसा हुआ है पाकिस्तान, डॉलर की कमी की वजह से इनका रेट काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि क्लियरेंस नहीं मिल रही, माल पाकिस्तान में शॉर्ट है। और दूसरी बात यह है, दिन ब दिन जो है ना डॉलर का रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो इसी वजह से इनका रेट भी डेली बेस पर बढ़ता जा रहा है। ये 2500 रुपये का 5 किलो है, 500 रुपये किलो बिक रहे हैं यहाँ पर मंडी में होल सेल रेट पर। और ये 400 रुपये का 5 किलो है, 400 रुपये किलो दिख रहा दे रहे हैं, और 2000 रुपये का 5 किलो है ये लहसुन चाइना। तो मेरा पाकिस्तानी काश्तकारों दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि लहसुन का और साथ अदरक का भी जो है ना इनकी काश भी लगाया करें, ताकि पाकिस्तान का ये बोझ जो है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान बनते ही जो है ना, मैंने आज तक नहीं सुना है, क्योंकि जब भी आते हैं हमारे पास अदरक मार्केट में मौजूद हो, तो या तो वो बर्मा का होगा, या थाईलैंड का होगा, या चाइना का होगा। इसी तरह लहसुन के हवाले से बात करें तो लहसुन चाइना और ईरान दोनों ममालिक से आते हैं, तो हमें चाहिए कि इनकी जो है ना काश ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हम इस परेशानी से निकल सकें और हमारे ये शॉर्टेज जो है ख़त्म हो जाए, शॉर्टेज क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है इसका।